आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं ने सीरिया पर आक्रमण कर दिया है। सीरिया के डूमा में कथित तौर पर रासायनिक हथियार के इस्तेमाल के विरोध में अमेरिका और उसके मित्र देशों ने सीरिया पर मिसाइल से हमला कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि इसके लिए सीरिया सरकार को समर्थन और सैन्य सहायता दे रहा रूस जिम्मेदार है। उधर रूस का कहना है कि अमेरिकी कार्रवाई का परिणाम युद्ध हो सकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा है कि फिलहाल मिसाइल अटैक रोक दिया गया है, आगे हमले की कोई योजना नहीं है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जहां पर एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने हमला कर दिया है सीरिया पर। वहीं सीरिया की ओर से भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के विरोध में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने हमला कर दिया है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, सीरिया पर मिसाइल हमले की तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। जो केमिकल अटैक हुआ था एक हफ्ते पहले, जिसमें 100 लोगों की मौत हो गई थी, उसके विरोध में अमेरिका का ये हमला है सीरिया पर, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर ये संयुक्त हमला किया है और सीरिया ने भी जवाबी कार्रवाई करने का दावा किया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सीरिया पर हमले से महायुद्ध की आशंका छिड़ गई है। सीरिया सरकार अमेरिका के हमले से हिल गई है। वहां के राष्ट्रपति असद को समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिका को कैसे जवाब दे, जबकि सीरिया के मित्र देश रूस ने कहा है कि अमेरिका के हमले से युद्ध छिड़ सकता है। तो सवाल यही है कि क्या महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है दुनिया? आपको दिखाते हैं कि अमेरिका और सीरिया के दोस्त रूस का क्या पक्ष है। सीरिया में हुए केमिकल अटैक के बाद कौन क्या कह रहा है वो देखिए। सीरिया की बशर अल असद सरकार को रूस खुला समर्थन दे रहा है। सीरिया में केमिकल अटैक के पीछे रूस, यह अमेरिका का पक्ष है। वहीं रूस का पक्ष है कि केमिकल अटैक में ब्रिटेन का हाथ है। अमेरिका का पक्ष है केमिकल हमले में रूस की सैन्य मदद से हुआ है ये। वहीं रूस का पक्ष है कथित केमिकल हमले में मदद नहीं दी। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का हमला, अमेरिका का पक्ष, रूस का पक्ष, रूस और सीरिया ने जवाब दिया। ये फिलहाल जो हो रहा है वो हम आपको अपडेट दे रहे हैं। यूएन ने कहा है हालात बेहद चिंताजनक हैं। रूस को चीन का भी साथ मिल सकता है। सीरिया की बशर अल असद सरकार का को रूस खुला समर्थन दे रहा है। तो सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस को खत्म करने में जुटा है अमेरिका। सीरिया में रूस और अमेरिका की सैन्य ताकत कितनी है आइए बताते हैं। अमेरिका 2000 यूएस सैनिक सीरिया के पास हैं, वहीं रूस के 2954 रूसी सैनिक सीरिया में मौजूद हैं। तुर्की में अमेरिकी सैनिकों के लिए रनवे है, तो वहीं लेबनान बॉर्डर पर रूस के 2 एयरबेस हैं। जरूरत हुई तो तुर्की से विमान उड़ान भरेंगे। SU-24, SU-34 जैसे विमान तैनात हैं। अमेरिका के मित्र देश इस मामले में उसकी मदद करेंगे। चीन भी रूस का साथ इस मामले में दे सकता है। यह हमने आपको बताया कि युद्ध हुआ तो क्या होगा। सवाल यह है कि अगर महायुद्ध हुआ तो कौन किधर होगा। पहले देखते हैं अमेरिका के साथ कौन है। फिलहाल अमेरिका के साथ फ्रांस और ब्रिटेन हैं। अगर युद्ध हुआ तो कई और यूरोपीय देश भी अमेरिका का साथ दे सकते हैं। वहीं सीरिया के साथ कौन कौन है ये देख लेते हैं। फिलहाल सीरिया के साथ उसका दोस्त रूस है। रूस खुलेआम सीरिया का समर्थन कर रहा है। अगर युद्ध हुआ तो चीन भी रूस और सीरिया का साथ दे सकता है। हमारे साथ विदेश मामले के एक्सपर्ट कमर आगा जुड़ गए हैं। कमर साहब, रूस युद्ध की चेतावनी दे रहा है, क्या अमेरिका के इस हमले से महायुद्ध का खतरा पैदा हो गया है? देखिए, ये कहना अभी जरा जल्दी होगा, इसलिए कि अटैक कर लिया, उन्हीं ने अटैक कर दिया, उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो उन्हीं ने पूरा कर लिया, वो वहां से हट गए हैं। अब ये देखना है क्या फर्दर अमेरिकन आगे भी अमेरिकन अटैक करते हैं या नहीं, रिजीम चेंज ही उनकी पॉलिसी है। दूसरी तरफ रूस ने धमकी तो ज़रूर दी है और उनके पास कैपेबिलिटी भी है, अमेरिकन ट्रुप्स उसी क्षेत्र में हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट भी वहाँ पे बहुत सा है, तेल और दूसरे उनके
क्षेत्र हैं, अगर अटैक होगा तो वहीं लोकली होगा, कहीं बाहर जाके नहीं करेंगे। अमेरिका तक रूस का पहुंचना संभव नहीं है, मुश्किल है, लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए उसके लिए, बीच में देशों की नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है और उसके एलाइज भी बहुत पावरफुल हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नेटो के दूसरे सभी मेंबर उसके साथ हैं। उसके अलावा पश्चिम एशिया के जितने भी देश हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई, ये सभी देश, इजिप्ट या और बड़े दूसरे देश भी हैं उसके अलावा भी, वो भी इस समय खुल के अमेरिका के साथ हैं। तो इस स्थिति ऐसी बहुत है, उसमें बहुत बहुत धन्यवाद कमर आगा साहब इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सीरिया पर हमले से कच्चे तेल के दाम बढ़ने की आशंका भी गहरा गई है। अगर तेल के दाम बढ़े तो देश में पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है। सीरिया पर अमेरिकी हमले से उछले कच्चे तेल के दाम। कच्चा तेल आज 39 सेंट प्रति बैरल महंगा हो गया है। कच्चा तेल महंगा होने का भारत पर असर पड़ेगा। शेयर बाजार खुलते ही हमले का असर दिखाई देगा। तेल के एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा से बात करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तनेजा जी, आपको क्या लगता है, तेल के दाम बढ़ेंगे अमेरिका की इस कार्रवाई से? हाँ, देखिए, मिलिट्री कार्रवाई हुई है और सीरिया इम्पोर्टेंट कंट्री, सीरिया में तेल उत्पादन तो ज्यादा नहीं होता लेकिन ऐसे इलाके में है जहाँ पे सब आसपास सब तेल का ही क्षेत्र है वो पूरा, और हमने देखा है कि ऑलरेडी जो ब्रेंट की कीमत है वो इस समय लगभग $72.58 अर्थात बढ़ चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ेगी ये मुझे अभी नहीं लग रहा है कि अगर ये मिलिट्री ऑपरेशन आगे बढ़ता है या सीरिया कोई जवाबी कार्रवाई करता है, ऐसे हालात में तो हो सकता है, लेकिन अगर ये कार्रवाइयां रुक जाती है, एक तरह की जो सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने करी है यहीं रुक जाती है, तो बढ़ा है थोड़ा सा, $1 और बढ़ सकता है, फिर थम जाएगा और उसके बाद नीचे आएगा। लेकिन अभी देखना होगा क्या सीरिया कोई जवाबी कार्रवाई करता है, क्या अमेरिका, फ्रांस और ये लोग मिलकर अभी और कोई कार्रवाई करते हैं, तो इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के जो तेल पहले ही महंगा चल रहा था, और इससे ये जरूर है कि उस पर दबाव आएगा और तेल की कीमतें जो है वो उसमें उछाल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र तनेजा साहब इस जानकारी के लिए। तो इस हमले का असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।